अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहादुर दिखने का दिखावा करने के लिए उसने हवा में 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन वो लगभग खुद को नीचे गिराने वाला था। लेकिन अगले ही पल वो फिर भी गिर गया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उस व्यक्ति ने सीढ़ियों का किनारा पकड़ लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसका परिवार जो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। उन्होंने मूर्खतापूर्वक उसे वापस खींचने के लिए रस्सी खींची। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते छोड़ दिया, इसलिए वो मरने से बच गया। ये लोग दोबारा मूर्ख न बने, इसके लिए वो आदमी जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर छत पर चढ़ गया। उसके परिवार को उसे देखकर राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसकी जान में जान आई, उसने फिर से कूदना शुरू कर दिया। उसने चौक को रुमाल में लपेटा और जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने उसे कई बार लात मारी और अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया और फिर सुरक्षा बकल बांधा, जमीन पर पड़ा एक स्टील का पाइप उठाया और अपने सामने की इमारत की ओर कूद गया। इस तरह के खतरनाक दृश्य ने उसकी प्रेमिका के परिवार को लगभग डरा दिया था। इधर वह आदमी भी घबरा गया था, लेकिन जैसे ही जहरीली गैस ऊपर आने वाली थी कि वो सीधे दीवार पर चढ़ गया। जब वो सबसे ऊंची खिड़की पर पहुंचा, तो उस आदमी ने जल्दी से रस्सी इकट्ठी कर ली। उसने इसे एक चट्टान के चारों ओर लपेट दिया और फिर निर्णायक रूप से अपने 10 मीटर लंबे पैर फैलाए और खुद को पास के खंभे पर बंदर की तरह लटका लिया, फिर आगे बढ़ने लगा। नीचे माँ अपने बेटे को देखकर चौंक गई, लेकिन सौभाग्य से उस आदमी ने 2 साल से रॉक क्लाइंबिंग का अभ्यास किया था।